आपके वारसलीगंज में चीनी मिल था और भी बिहार में कई सारे चीनी मिल, पेपर मिल जो बंद पड़े उद्योग धंधे थे चालू नहीं हो पाया। वो देखिए वो जैसे इन लोगों का अपना पॉलिटिकल केंद्र से उस तरह की फिल्में नहीं बनती, उस तरह की फिल्में नहीं बनती है। फिल्मों के चलते माध्यम क्या हो गया ना, इन लोगों को गलत ट्रैक में चला गया। जैसे ड्रग्स के बारे में, डॉन के बारे में, गरीब आदमी को सब कुछ वही तो सुना तो वही रहे सामने। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं गया विधानसभा क्षेत्र में, गया टाउन विधानसभा में। गया गांधी मैदान कहलाता है ना, ये गांधी मैदान में हम मौजूद हैं। बीएनएन एक्सप्रेस की टीम मगध, बिहार के मगध क्षेत्र में पहुँच चुकी है और यहाँ ट्रेनिंग क्लासेस चल रही थी, सामने कुछ बच्चे थे। सुबह सुबह का वक्त है और हम पहुंचे हुए थे गांधी मैदान में, गया गांधी मैदान में। दोस्तों अब हम लोग गांधी मैदान पार्क के अंदर आ चुके हैं और यहाँ सुबह का समय है। पार्क में कुछ लोग नॉर्मल मॉर्निंग वॉकिंग कर रहे थे, लोगों से हमने कोशिश की बात करने की तो हमें एक भैया मिले। भैया कहे कि चलिए चलते चलते बात करेंगे, तो भैया के साथ चलते चलते बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? बबलू। बबलू सर, कौन सा विधानसभा क्षेत्र लगता है ये, यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। यहाँ का ये तो गया शहर विधानसभा क्षेत्र है, गया टाउन। यहाँ से प्रेम कुमार विधायक है, 7 बार विधायक रह चुके हैं, ये उनका 8वीं बार है। तो क्या उनका रिपोर्ट कार्ड रहा है? वैसे तो वो विधायक थे लेकिन इस बार पब्लिक उनसे थोड़ा नाराज है, कोरोना काल में उन्होंने पब्लिक की कोई मदद नहीं। लगातार 7 बार जीतते आए हैं यहाँ से प्रेम कुमार, तो क्या खुश, अच्छा खासा काम रहा है, क्या समीकरण रहा है उनका, राज क्या रहा है लगातार 7 बार जीतने का? 7 बार लगातार जीतने का राज यहाँ पुष्टिकरण की जो राजनीति है, हिंदू वोट बैंक, जातीय समीकरण बना लिया, समीकरण गया सर। पार्क में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारे साथ एक चाचा जी हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? संतोष कुमार अग्रवाल। कौन सा आपका विधानसभा क्षेत्र हो जाता है? हमारा विधानसभा गया शहर है। गया शहर, प्रेम कुमार 220 विधानसभा, 230 विधानसभा क्रमांक। प्रेम कुमार 7 बार के विधायक रह चुके हैं, ये 8वीं बार है। क्या काम किए हैं पिछले 7 साल में? काम तो वो थोड़ा बहुत किए ही है जी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। जी जी, लेकिन हम लोगों के साथ समस्या क्या है, जो सेकंड जो लार्जेस्ट माने बेहतर इंसान कोई दूसरा समझ में नहीं आता जी, समझ रहे हैं कि नहीं, दूसरा विकल्प नहीं, विकल्प नहीं समझ में आता है, विकल्प का अभाव है, विकल्प का अभाव है। और अगर मान ले कि चुनाव में कोई उड़ता पंछी ऊपर से आ जाए और उसके बारे में जब हम कुछ नहीं जानते हैं तो थोड़ा लगता है संशय जी, बिल्कुल। लेकिन कम से कम वो शहर के हैं, रहने वाले हैं, तो वैसे परिस्थिति में कम या बेसी कमोबेश काम किए हैं, यही कारण है कि पिछले 7 बार से लगातार लगातार जीतते आए हैं। आपने जो विकल्प के अभाव की बात की, स्थानीय मुद्दे स्थानीय स्तर पर देखें या राज्य स्तर पर देखें, तो इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या क्या मुद्दे होने जा रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ जो है सो मेन मुद्दा, जैसे मान लें शहर में सर सफाई, जी जी समझ रहे हैं कि नहीं, सफाई उन्हीं का मुद्दा है, भले ही नगर निगम हो, समझ रहे हैं कि नहीं। अभी थोड़ा सा आर्क पार्क जैसे गांधी मैदान वगैरह है, इसको थोड़ा सा सुंदरीकरण वगैरह बेहतर ढंग से होना चाहिए। गया पर्यटक स्थल भी है, पर्यटक स्थल भी है, जानवर हाँ, लेकिन होता क्या है कि जैसे जसो राजा तसो प्रजा, बिल्कुल देखिए हम इसको ऐसे नहीं लेंगे जी, हम भी वैसा ही है जैसा मेरा राजा है, बिल्कुल समझ रहे हैं कि नहीं। तो अगर हमारा राजा को अगर हमको कहीं कुछ लगता है और हम सुझाव बेहतर देते हैं तो मेरा जनप्रतिनिधि उस पर संज्ञान लेता है। अब हम देते ही नहीं है अपने काम में, व्यवसाय में, दिस में, दैट में, हम ऑलरेडी जब लगे हुए हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो एक जब चुनाव का जब समय आता है तो बेमतलब का कहना कि ये नहीं किया वो नहीं किया, समझ रहे हैं कि जी, ऐसे प्रेम कुमार जी एक बेहतर इंसान है, कभी भी हम लोग माने गया की जनता उनको गया है, उन्होंने संज्ञान लिया है और भरपूर प्रयास किया है भाई शहर का, यही कारण है कि लगातार 7 बार से जीतते आए हैं। आपने स्थानीय मुद्दों की बात की लेकिन बिहार में इस बार के चुनाव में रोजगार, पलायन और इंडस्ट्री, ये 3 अहम मुद्दा है जिसको विपक्ष मुद्दा बनाए हुई है। विपक्ष जो मुद्दा बनाए हुए है तो वो जैसे रोजगार है, तो रोजगार एक ऐसा चीज है कि हम लोग माने खास कर बिहार में
स्वरोजगार लोगों के पास, गरीब गरीब लोगों के पास है, नहीं तो लोग गीत ज्यादा मांगता। जिनको यहाँ स्वरोजगार नहीं मिल पाता है वो पलायन कर जाते हैं। पलायन कर जाते हैं, लेकिन पलायन करने के बाद वहाँ जो है स्वरोजगार वो कर लेते हैं, फिर आते हैं। और बाकी और तो कोई विशेष, देखिए लोग बोल रहा है जैसे कि रोजगार है, और क्या बोले आप, रोजगार, पलायन, इंडस्ट्री, 15 साल में कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, बिहार सुई तक का उत्पादन नहीं कर पाया। आपके वारसलीगंज में चीनी मिल था, और भी बिहार में कई सारे चीनी मिल, पेपर मिल, जो बंद पड़े उद्योग धंधे थे, चालू नहीं हो पाया। वो देखिए, वो जैसे इन लोगों का अपना पॉलिटिकल केंद्र से, स्टेट से, इन लोगों का तो उतना तह तक, आम जनता जो है, हम लोग जैसे पॉलिटिकल इंसान नहीं है, जी जी बिल्कुल, हम लोग एक आम जनता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे ही सरकार का, केंद्र सरकार का क्या नीति चल रहा है, स्टेट का क्या नीति चल रहा है, ये लोग अपने में कैसे रह रहे हैं, अपनी दुकान कैसे इनकी बचे, अपना राजनीति कैसे बचे। इस बार की विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, जदयू बीजेपी को साथ चुनाव लड़ना चाहिए या फिर गठबंधन टूट जाना चाहिए? नहीं नहीं, गठबंधन रहना चाहिए, जदयू बीजेपी को चुनाव लड़ना चाहिए। जैसे बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार ही हमारे से बढ़िया मुख्यमंत्री कोई नहीं है, कोई नहीं है। और तेजस्वी तेज प्रताप को लेकर, आरजेडी को लेकर, तेजस्वी तेज प्रताप के विरोध में हम लोग नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन सवाल यह है कि हमने उनके आरजेडी के शासन काल के जो लोगों ने देखा है उस आधार पर एक डर है, आधार पर थोड़ा भय है। ऐसे हो सकता है तेजस्वी तेज प्रताप जब आए तो बेहतर काम करे। तेज प्रताप यादव इस बार अपना विधानसभा सीट बदल लिए हैं, हसनपुर चले गए हैं। तो हम लोगों को गया में रहते हैं, हम लोग राजनीति तो करते नहीं है, इसलिए वो हसनपुर जाए या मानपुर जाए, उनसे हमको तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम हुआ भैया आपका? दीपक कुमार। तो गया के युवाओं के लिए इस बार कौन कौन से मुद्दे होने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव में? ऐसे तो युवाओं के लिए ही अभी मुद्दा है रोजगार, पूरे देश के लिए, देश का मुद्दा है। बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। विपक्ष ही तो उठा रहे हैं, पक्ष कहाँ बोल रहे हैं, पक्ष बोल रहे हैं, तो कोई बात ही नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन पार्टी है या कौन नेता है जो रोजगार दे सकते हैं? एक्चुअली बिहार में समझे कि कोई नेता ही नहीं, सब हम लोग धो रहे हैं मजबूरी में, विकल्प का अभाव बिल्कुल। पुष्पम प्रिया चौधरी एक युवा आई हैं, विदेश से पढ़कर आई हैं, पढ़ी लिखी हैं, उन पर विचार किया जा रहा है, बिल्कुल मतलब खुद को पॉलिसी मेकर बता रही हैं, कह रही हैं कि मैं बदलाव ला सकती हूँ, सिस्टम चेंज करने आई हैं। तेजस्वी तेज प्रताप को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? ये तो मतलब वही हाल हो गया ना, इधर ढोए चाहे इधर होने वाली बात। और आपके स्थानीय विधायक प्रेम कुमार जी पिछले 7 टर्म से विधायक रह चुके हैं, 7 टर्म या अगर 10 टर्म भी रह जाएंगे तो इनका वही स्थिति रहेगा। इनका क्या रिपोर्ट कार्ड है आप लोगों की नजर में? कुछ नहीं, जीरो है। रियलिटी ये है कि आज तक मतलब किसी दूसरे पार्टी को वोटिंग नहीं दी, फिर भी इस बार मूड चेंज, मूड स्विंग है। अच्छा, इस बार भाजपा का कोर वोटर भी बदल सकता है? अच्छा, वोटर उसका बदलेगा। 7 बार लगातार चुनाव जीतना अपने आप में बड़ी बात बहुत है। प्रेम कुमार आखिर वो क्या राज है कि लगातार 7 बार विधायक रह चुके हैं? बिहार का पूरी राजनीति तो जाति पे आधारित है, जातीय समीकरण फिट बैठता है, निकल इनके लिए फिट बैठता है, जात के नाम पर खूब वोटिंग होती है। नहीं, अगर अपने आप को लीडर मानते हैं तो ओपन चैलेंज है कि गया छोड़कर किसी भी सीट को अगर अपने आप को मतलब निकाल लेते हैं, इनसे बड़ा बिहार में दूसरा नेता फिर कोई नहीं, सिर्फ गया छोड़कर। गया में जो आप कह रहे हैं कि बिहार का नगर विकास मंत्री रहे, और गया का आज मुद्दा है कि हर गली मोहल्ला में देखिए तो खाली कचरा, हर रोड नली सब टूटा हुआ मिलेगा, घर के बाहर नली खुला हुआ मिलेगा, ये सब तो नगर विकास मंत्री रहने का फायदा क्या? जब उनके अपने गृह नगर का ही विकास, नगर का विकास नहीं तो दूसरा का और स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का क्या विकास? अच्छा, सुबह का समय है, आप लोग पार्क में घूमने आए हैं तो पार्क के साथ देख रहे हैं ना, यहाँ पानी जमा हुआ है, यहाँ सब जंगल लगा हुआ है, ये सब क्या है? जब गांधी मैदान भी स्वच्छ नहीं है तो आदमी क्या सोचते हैं? के साथ मतलब चोर के साथ भी, ईमानदार के साथ, सभी लोगों के साथ बैठने का प्रयास करते हैं और चाहते हैं कि मेरा भारत महान भारत हो, लगे कि हाँ कि हम किसी देश में रहते हैं, बिल्कुल स्वच्छ सुंदर। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि अभी के टाइम में जो पहले हम लोग जो फिल्म देखते थे, समझ रहे हैं कि नहीं, क्रांति, हम उस तरह की फिल्में नहीं बनती, उस तरह की फिल्में नहीं बनती है। फिल्मों के चलते माध्यम क्या हो गया ना, कि लोगों को गलत ट्रैक में चला गया, जैसे ड्रग्स के बारे में, डॉन के बारे में,
समझ रहे हैं ड्रग्स के बारे में, पहले डॉन का चलता था, अंडरवर्ल्ड का चलता था, अब ड्रग्स बॉलीवुड में आ गया। पहले हम लोग भक्ति देखते थे, देशभक्ति देखते थे, भगवान का देखते थे, देश के बारे में देखते थे, और अब हम लोग माने जो आईना है ना, उस आईना को जो है तो हम लोग डॉन के रूप में देख रहे हैं, भ्रष्टाचार के रूप में देख रहे हैं। कौनसी करे हको कुछ नहीं, तो वोट उठ गिराते हैं, चुनाव आने वाला है, अब केकरा वोट देते हैं? अब देख रहा मन में गाड़ी तो नहीं कि हाँ ये गाड़ी कह दिली और गरीब आदमी तो सब कोई कहा है कि वही तो तू ना तो माही रे काम है तो का कह कि हकुन विधायक मालूम हको मेरे के तो पहले आदमी जब ढूंढे कौन विधानसभा क्षेत्र लगे हो? बस डोभी हो, डोभी। अभी यहाँ तो हम गया में ही है ना, अभी गया टाउन में, यहाँ से प्रेम कुमार जी हकीन विधायक। हाँ, कुछ जानते हैं प्रेम कुमार जी के बारे में? हाँ जानते हैं, अच्छा है। काम हम किए हैं, काम तो सब यहाँ टाउन में देते अच्छा, हैं। अच्छा, आपको कोई निजी फायदा मिला है? निजी कुछ ना, कुछ नहीं मिला है। वो पेंशन के लिए कहते थे तो पेंशन बहुत करे धरे से हुआ, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है आपको? 15 साल 20 बरस के बाद हमको यही मिला, इधरे यही मोदी जब लॉकडाउन और ये सब जो हुआ उस वक्त हुआ, नहीं तो नहीं। अच्छा, अब मिलने लगा है वृद्धा पेंशन? हाँ, बस यही अथी के लेकर के इधरे लॉकडाउन मिला। तो बिहने बिहने आप कुछ नहीं जानते थे, बिने बिने यहाँ पार्क में कौन सी कर रहे हैं आप? यही सब घूमे घामे के लिए। अच्छा। आप कुछ ही कर रहे हैं, आ जाते हैं, कोई तो कुछ बोला कि देना तो है नहीं किसी से। अच्छा। अपन कौन सी विचार है करा देवे के नीतीश को? तो सब कोई कहते हैं क्या रहे, कोई बका तो अच्छा, चले वाला सब कोई कहते हैं नौकरी देखो, अगर ना कहो तो कहता थे कह रहे वही तो जी तो कहा ना करना है, ज्यादा तो यू तो डर है गरीब के तो कोई ना समझा। चला ठीक है कुत्ता। दोस्तों, गया गांधी मैदान से अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं, साथ ही दिन में हम गया की और भी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे, वहाँ की स्थिति से आपको रूबरू कराएंगे। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक